रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध चौथे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। खार्किव और मारियापोल जैसे शहरों को तबाह करने के बाद रूस की फौज राजधानी कीव पर कहर बरपा रही है। सैन्य ठिकानों से लेकर तेल डिपो और रिहायशी इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। रूस का टारगेट है राजधानी कीव पर कब्जा और राष्ट्रपति जेलेंस्की को सरेंडर करवाना। साथ ही रूस पूरे यूक्रेन की कमान अपने हाथों में लेना चाहता है। वहीं यूक्रेन की फौज अपने देश को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है। गुरुवार को रूसी मिसाइलों ने कीव के एक तेल डिपो को निशाना बनाया, जिसके बाद भीषण आग लग गई। आगजनी में एक शख्स के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। युद्ध की समाप्ति के लिए रूस से बातचीत जारी है। यूक्रेन जंग नहीं शांति चाहता है। मेरी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। युद्ध की समाप्ति, सुरक्षा की गारंटी, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बहाली। राजधानी कीव पर भीषण बमबारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक अस्पताल का दौरा भी किया और घायलों से मुलाकात की। राष्ट्रपति 16 साल की लड़की कात्या वेलासेंको से भी मिले, जो कि लड़ाई में घायल हो गई है। आपको बता दें कि कात्या एक टिकटॉक स्टार है और उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें कि पिछले 23 दिनों से जारी इस लड़ाई में दोनों देशों के हजारों सैनिक हाथाहाथ हुए हैं, जबकि सैकड़ों आम नागरिक मारे गए हैं। साथ ही अरबों डॉलर की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम का।